मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर बीते 24 घंटे में 54 अंतिम संस्कार हुए हैं, जिसमें से 42 कोरोना संक्रमितों के पार्थिव शरीर थे। अकेले एक शमशान घाट पर बीते एक महीने में 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार हो चुके हैं। बीते रविवार को भी भदभदा में 49 कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया गया। रोज 50-55 वाड़ी रोज आ रही है। अच्छा, कोरोना 42 वाड़ी कल कोरोना की थी और 12 वाड़ी यहाँ पे सामान्य वाड़ी थी। अच्छा, कितना पैनिक है और कितने संख्या में रेगुलर कितनी संख्या में बढ़ जा रही, पहले कितनी आ रही थी अब कितनी आ रही? रोज का आंकड़ा देखा जाए तो रोज बढ़ रही वाड़ी, रोज बढ़ रही है। पर इससे पहले 49 वाड़ी थी, उसके बाद में 41 वाड़ी हुई, रोज 10-12 वाड़ी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में कितनी बॉडी जा रही होंगी? पिछले एक महीने में अभी करीबन 300 बॉडी आ चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रत्येक जिले में रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, राशन दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक और एटीएम, दूध सब्जी की दुकानें और ठेले पर सामान बेचने वालों को छूट है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हाल बेकाबू हो चुके हैं और यहाँ पर शमशान घाटों में भी अब जगह नहीं बची है, इतने पार्थिव शरीर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि अभी भी लगातार यहाँ पर चिताएं जल रही हैं और साथ ही यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि गोकास्ट भी यहाँ पर एक अगली जो चिता है उसके लिए तैयार की जा रही है। एवरेज अगर बात की जाए तो रोजाना 40 से 50 पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के, और पिछले एक महीने की बात करूं तो अकेले सुभाष नगर विश्राम घाट पर 300 से ज्यादा अंतिम संस्कार कोरोना बॉडीज के हो चुके हैं। तो जाहिर है कि स्थितियां कितनी भयावह हैं आप सोच सकते हैं। ये अकेले एक विश्राम घाट के हाल हैं। इस तरह के एक दर्जन से ज्यादा विश्राम घाट है राजधानी भोपाल में और पूरे प्रदेश में हालात काफी खराब हैं। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ सकती है, ऐसी आशंका के साथ यहां पर जो समितियां हैं शमशान घाट की, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चिट्ठियां लिखकर और लकड़ियों की डिमांड की है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियां काबू में आएंगी और राज्य सरकार इसके लिए कुछ प्रबंध करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।